ये हरियाणा का नूह जिला है और मेरे पीछे वो बाजार है जो कि सूना पड़ा हुआ है। 31 जुलाई को जब ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकली थी, उसके बाद दो समुदायों के बीच में झड़प जिसको कहा जा रहा है वो हुई थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसकी तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी। बजरंग दल के द्वारा इस इलाके में कई बार कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, चाहे वो वारिस का हत्याकांड हो या जुनैद और नासिर की लिंचिंग हो। उसके बाद से 31 जुलाई की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें दोनों समुदायों में झड़प हुई, और उसके बाद का माहौल क्या है ये देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। हमने कई लोगों से यहाँ बात की है जिनकी दुकानों में आग लगाई गई, उन लोगों से भी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन लोगों से भी। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये खास रिपोर्ट। खूब सही सलामत ये मंदिर पहलू आया, हमारा मकान हुआ ही, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैसी भी हूँ मंदिर पर खूब अच्छी तरह रहा सब, कोई दिक्कत ना। हमने अपना बच्चा बाहर कर लिया, भाई तमाशा मत देखो वक्त खराब, हम अपना बालक ने भीतर ले आए, कोई बात ना भाई। कम से कम 11 बजे सीख की बात और ये वापस लौट पड़ा 12 बजे की क्या 12-1 बजे की बात ही ये भाई वापस लौट गया हूँ उस मंदिर पर। इतना जो आँख देखी नहीं जावे, इतनी पूरी वह आया चढ़ के लिए, मैंने कोई बात ना है आगा तो कोई बात ना। हमारे हूँ दुकान हुआ रोड पर, रोड पर दुकान है तो हूँ सो आगा हूँ बैठा रहा, ये बैठा रहा भाई गाड़ी गुप्तार देख हम पे तो गाड़ी भी ना मुड़ा लत है हैं भैया। नू कहा तो नू वन ने तो पी खा के नहीं, बस मतलब खूब वो करिए जैसे वन के मन में आइए हैं भाई। हम पे तो कैसे, हम तो मुसलमान, हम पे तो इतने गंदी ना तो बोलो जर ना हम बोल सा चाहे हमारा कुछ ही हो जाए। और 12:30 बजे जब झगड़ा बोला हमने शटर बंद करके नीचे हम बराबर पड़ोस में ढाबे पे चले गए जी, वहाँ से हमने हाल देखा थे हमारा। जब 12:30 बजे जब हमारा 5,000 रुपये का नुकसान था जी कुल में, एक हमारी मोटरसाइकिल बाइक थी वही तोड़ी गई थी और कोई नुकसान नहीं था हमारा। 2:30 बजे जब झगड़ा बंद हो गया, उसके बाद शांत हो गया जब माहौल, जब हमने अपना शटर बंद करके ताला घर लगा के नहीं अपने घर को आ गए हम, और उसके बाद 3 और 3:30 बजे के बीच में हमारा शटर तोड़ के ताला तोड़ के जब ये लूटपाट करी गई है जी। नौ फ्रिज तोड़े गए हैं और 7.5 लाख पेमेंट थी वो उठा के ले गए उसको, और सारा सामान को लूट के ले गए पब्लिक। और मैं तो पेमेंट को भी बहुत उससे दुबका के आया था दुकान में, कोई देखे नहीं, पर जब दंगाइयों ने भाई जब लूट मार करिए सामान ले गए खींच खींच के नहीं फेंका है तो भाई पेमेंट भी उनके हाथ में आ गई है। नहीं गली में नहीं थी पेमेंट, मैं तो दुबका के आया था अलग। नॉर्मल आपको कैसा लग रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल सुना है सब कुछ, घरों में देखिए गाँव में देखिए, जहाँ 1,000 की आबादी है वहाँ आपको 50 आदमी नहीं मिलेंगे, सब गाँव से भागे हुए हैं, इतना खौफ है। जिनकी दुकानें जली हैं, जिनकी गाड़ियां जली हैं, जिनकी बाइकें जली हैं, जिनको मारा जो घायल हैं वो कंप्लेंट देने को नहीं आ पा रहे हैं पुलिस के पास, इतना डर है, इतनी दहशत है। एक दो आदमी भी मरे हैं वो अपनी FIR दर्ज कराने को नहीं तैयार हैं, वो सिर्फ इसलिए कोई बात नहीं मर गया तो, क्योंकि हम फिर ये तो चला गया पुलिस हमें भी मारेगी, हमारे ऊपर भी 302 और 307 का मुकदमा दर्ज करी हो रहा है सबके खिलाफ। हमको 22 साल हो गए जी, चाय की दुकान मेरी 22 साल, पुराना बस स्टैंड पर देखो जी, खूब हम समाज में बराबर से रहते हैं, खूब रिश्तेदारी में फंक्शन में बराबर रहते हैं, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, कोई इतना कोई है ही नहीं जितना हमारे बेवात में प्यार है, पूरा सम्मान मिलता है। हम इनकी शादियों में जाते हैं, ये हमारी में जाते हैं, हर फंक्शन में शामिल रहते हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं, बराबर बैठते हैं बराबर खाते हैं। अभी तो कोई नहीं, अभी सब माहौल बढ़िया है, खूब अच्छा प्यार मिल रहा है गाँव में भी, खूब अच्छे से हमारे पास लोग आ रहे हैं, खूब इज्जत से बतला रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे साथ कम से कम 20-25 मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका कहना है कि जिस दिन 31 जुलाई को ये हिंसा हुई थी उस दिन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, जो लड़के थे, उन्होंने इनको धमकाया, इनकी दुकानों को तोड़ा और इनको ये कहा कि आंटी हम आपकी दुकानों में आग लगा कर जाएंगे। उन लोगों से आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उस दिन हुआ था और इस वक्त क्या इनके घर का माहौल है, कैसा ये लोग महसूस कर पा रहे हैं। मदक ने नौ हाथ जोड़े हाँ उनका बजरंगी वाले इनके, और मैंने भी नौ जोड़े, मैं मदक कुर्सी पर बैठा हुआ सर, मैं ऐसे मदक पे खड़ी हूँ, एक हमारी छोरी आई ना पहाड़ के वाल में हूँ, वहाँ ने ऐसे वो बेचारी ने खूब धकाया भाई साहब माँ हाथ जोड़ा, गाड़ी बका बुरी बुरी बेटा कुफर कुफर गाड़ी पका इनका तेल गिर जमा कर, इनके बेटी इनके मेवन की बेटी ने नू कर जमा, कोई हिसाब है बेटा है कोई हिसाब है कहीं मनुमान सरारा आपका जीजा आ रहा है और ससुराल लुआ रहा, माड़ा गिर नहीं अपने जीजा के ससुराल लुआ रहा और बदतम हाँ रास्ता कहता ही आया हूँ नहीं सो, और फिर इतनी नारा लगा मस्जिद में जान लग रही है और नारा लगा रहे हैं
और गाड़ी न बक रहा और मेवन नाम ले ले गाड़ी न बक रहा है मेवन के नु कर दिए रे कर दिए और फिर उन जैसी मनमाई ऐसी करी और न्याय कोई ना करो और हूँ जहाँ वे घर फोड़ा आपन ने गोली चलाई है हूँ सू उनको कोई न्याय ना करो फिर पीछे पुलिस वाला हमारे गली त्यक अनीति कर रहा ना हमने घर में डटन दे रहा ना हमारे रोटीन बनन दे रहा है। अब भाई हाथ जुड़वा ले मत लड़ाई करो भाई बड़ा बूढ़ा ने पूछो पहले कैसो वक्त आयो तिहार बालक भी हमारे बालक भी एक खून एक जात सब कुछ एक है हैं। बाकी भाई तुम ऐसे मत करो बहुत बुरी हो जाएगी भाई तुम लड़ाई भिड़ाई मत करो अपने सलूक से रहो जैसे रहता है ऐसे रहो भाई ज्यादा आग मत रो मत फैलाओ तुम जहाँ तुम फैलाओ हूँ चला जाओ वहीं मत फैलाओ। नहीं माना भाई बुरी नजरन आया नजरन बुरी आकर फिर हम अपने वापस हो गए तीन चार बार चढ़ाई करी तो भाई हम बोला अकना माने तो भाई अब कहाँ करा आज हमारा आदमी ना रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे हमारे ढोर भूखा मर रहे पुलिस आ जा डंडा मारंग हर चीज में फ्रीज ने तोड़ दा मसी जन तोड़ जा सार चीज तोड़ तोड़ के फेंक जावा और बेतमीजी कर रहा थोड़ी दूर मोटरसाइकिल ले जावा फिर ले आवा फिर दांत ने फाड़ा दे दो बकरा ने दे दो मुर्गा तुम जब भी तो भागोगा हिंसू फिर कह जाऊ थानेदार के पेत ना थानेदार आवे फिर निकलगा और फिर आया दे रही हो बकरा ने तुम जब भी तो भाग रही हो इतनी बेतमीजी कर रहा हमारी और फिर बदतमीजी इतनी करा पुलिस वाला काल हीन दियो मेरे में खड़ी ही हूँ उनका तो नाम बता और ना बताएंगे तो तहार नो कर देंगे री कर देंगे तहार और फाना ने ढूंढा लत्तान बैर बनी तलाश लिया फाना ने की इतनी बेहयाई कर रही पुलिस को यह बात की कोई हमारी रोक नहीं लगाएगी हमारे कोई इज्जत ना है हमें छोड़िए हमारे गैल वित्तीय नीति कर रखी है इनने। इसके बीच का माहौल जहाँ वो दो बच्चे मारे इसमें मनु मानेसर ने मरवाए उससे पहले बहुत गायों के नाम पर हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई हैं और वो मनु मानेसर करता रहा है। ये गौ रक्षा दल का स्टेट का प्रेसिडेंट है इसने पैसे लेके ये गायें गांव में छोड़ता है हमारे लोगों से ये गौ कट्टे जितने सबसे ताल्लुक है इसके ये उनके घरों में आके खाना खाता है इसको गाँव में लाया गया है और आज ये हमके लिए हमारे लिए हमको बदनाम करना है। इस यात्रा के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 साल पहले ही नल्लड़ में शुरू हुई थी। इससे पहले से ये यात्रा जो है वो नीमका गांव में कई सालों से चली आ रही है जो कि इस साल भी हुई थी। वहां पर कई राज्यों से औरतें बच्चे और बुज़ुर्ग वहां पर आते हैं और वो 84 कोस की यात्रा होती है जिसके बारे में यहाँ मौजूद लोगों ने भी हमें बताया। अपनी स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं कि कैसे एक एडवोकेट तालिम हुसैन का ये घर है जहाँ पर कई सारी महिलाओं के रुकने का इंतज़ाम किया गया है जो कि इस यात्रा में यात्री हैं। उनमें हर वर्ग के लोग वहाँ पर आते हैं हर जेंडर के लोग वहाँ पर आते हैं और वो लोग कोई तलवार या बंदूक लेकर नहीं आते बल्कि अपना सामान लेकर वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लोगों ने हमें मौजूद यही बताया है कि वो यात्रा सदियों से चली आ रही है कई सालों से चली आ रही है और वो हिंदू मुस्लिम एकता की एक तरह से मिसाल है नूह मेवात के क्षेत्र में। यहाँ पर 2-3 साल से ये प्रयोग चल रहा है कि मेवात को दंगों की आग में जलाया जाए भाजपा सरकार और आरएसएस की जो विंग हैं शाखाएं हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पे बार बार घटनाएं हो रही हैं कुछ लोग बाहर से आते हैं यहाँ के लोगों के साथ मारपीट करते हैं। अब तक पिछले 2 सालों में 20 लड़कों को नौजवान लड़कों को ये आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले मार चुके हैं। सत्यम भाई बात यह है कि जो पुलिस अरेस्ट कर रही है ना वो तो जॉब मिलता है। शुरू में 2 दिन तो ये हुआ कि जो जहाँ मिला अगर कोई सड़क पर मिला तो सड़क पर घर में अंदर मिला तो घर के अंदर बाहर मिला तो बाहर से कोई भी है वो चाहे ड्यूटी करता है चाहे नौकरी करता है चाहे वकील है जो भी मिला उसको उठाया सबको और कितनों को तो पेश भी कर दिया कितनों को लेकर पता भी चल गया कि झगड़े में नहीं थे उस वक्त नहीं थे बाद में आए या आदमी रास्ते में जा रहा था कहीं दूसरे गाँव जा रहा था सबको उठाया सबको बंद कर दिया। और अभी भी क्या हो रहा है कि पुलिस गांवों में जाती है पूरा खौफ का माहौल है जो मिलता है सबको उठाते हैं और मेवात के 70% गांवों की 70% आबादी जंगलों में पहाड़ों में या इधर उधर हो चुकी है क्योंकि बहुत खौफ का माहौल है। कल तो ये यहां तक हुआ है कि घरों में गए नगीना में तो कुछ औरतों पर भी लाठियाँ बरसाई हैं। फिर एक पुनाणा ब्लॉक में सिंगार गाँव है एक बूढ़ा आदमी था उसको लाठियों से मारा वो मर भी गया और घर वाले जो है इतने डर गए वो कार्रवाई तक के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ पुलिस की लाठियों से मारा सब पता है सबको लेकिन घर वाले डर गए हैं सब कुछ भी हमें कुछ नहीं करना ठीक है जी कोई बात नहीं हमारा मर गया बूढ़ा आदमी था हम उसको दबा दें। 1 तारीख को पुलिस ने धरपकड़ की वो मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं था। आप इस
कॉलोनी में देख लीजिए, गांव में देख लीजिएगा, कोई युवा कोई वो नहीं है, सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो वो धरपकड़ जिसको जो हाथ लग गया सबको पकड़ कर ले गए, उठाकर मारा पीटा जो भी कुछ था। तो दूसरे दिन हिंसा के दूसरे दिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं था, हमने उनको रिपोर्ट किया ADGP यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर लगी हुई है, ममता सिंह को, नरेंद्र बिजारनिया जी और जो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स थे उनको हमने रिपोर्ट किया। अब जाकर जो है स्थिति ठीक हुई है, वरना तो जो पकड़ा जो मिला सब गुनहगार थोड़ी हैं। खुद पुलिस ये मान रही है, पुलिस कप्तान ये मान रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि इनमें ज़्यादातर झगड़े में नहीं थे, लेकिन जो पकड़ में आगे वो छूटेंगे। अब प्रशासन को चाहिए कि दोषियों को तो क्या इन पहचान की जाए, जिस तरह से एविडेंस हैं कि किसने क्या किया, कब कौन कहाँ आया, अगर CCTVs वगैरह की जो फुटेज हैं उनको सबसे पहले लिया जाए, अगर जिस तरह से प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवरेज कहीं की है तो उसको भी सेफ करना चाहिए। उसके बाद अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति की शिकायतें आती हैं तो उन पर एक्शन ले, और जो इस एरिया में उस टाइम मोबाइल वगैरह की लोकेशन एक्टिवेट थी उन पर ध्यान देना चाहिए और पहचान करनी चाहिए कि ये लोग कौन थे, क्यों झगड़ा हुआ, क्या कारण रहा झगड़े का, और ये झगड़े करने के बाद अब कहाँ छिपे हुए हैं। निर्दोष लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। लीगली तो ये होना चाहिए था कि पुलिस जो है ना दोनों समुदायों को, तो सबसे पहले इस तरह का जब मसला होता है, जो इस तरह के दंगे होते हैं, तो पहले विश्वास बहाली की कोशिश होती है। जो एक अविश्वास बढ़ा है यहाँ समुदायों में, उसको कैसे नज़दीक लाया जाए। अगर ये नफरत बढ़ती रही तो आगे भी नफरत बढ़ती रहेगी, घटेगी थोड़ी, हमें यहाँ रहना है हमेशा। तो नफरत को ख़त्म करने की कोशिश प्रशासन ने की, बढ़ाने की कोशिश की है। हम राजा तहनपाल की औलाद हैं, हम ब्रजवासी जो है, हम ब्रज के बच्चे हैं, हम जितने आज तक हैं, हमारे एंसेस्टर्स यहाँ दफन हैं, हम भी यहाँ दफन होंगे। ये हमारी मिट्टी है, हमारी ये मांगी मिट्टी नहीं है, कौन हमको पाकिस्तानी कह सकता है। हमारे बुजुर्ग यहाँ हैं दफने, हम भी यहाँ दफन होंगे, हमारी नस्लें भी यहाँ दफन होंगी। हम पाकिस्तान को कुछ नहीं मानते, पाकिस्तान धर्म के नाम पे हुआ था, हम सेकुलर कंट्री में रुके थे, हम सेकुलर आदमी हैं, हम सेकुलर सोच के आदमी हैं। युवा जाब हट है, कोई दोनों घाल न्याव करा, हम नो बिना कह रहा भाई, तब हमारे मई कर दोनों घाल न्याव कर, हमारे कोई आदमी ना बाहर की दुनिया ना आकर गोली जरूर चलाई, हम उन्हें ना जान बिल्कुल भी कौन है कौन ना है। आपने देखा और सुना कि 31 जुलाई की घटना के बाद से नूह का जो ज़िला है, इसमें आने वाले जो गांव हैं, वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पुलिस बल की भारी तैनाती है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। ये सब इसलिए है कि बजरंग दल नाम के एक संगठन ने 31 जुलाई को यहां पर एक रैली की थी, और रैली से पहले मुसलमानों को धमकाने, उकसाने और नफरती बयान देने का काम किया था। 31 जुलाई को जो हिंसा भड़की थी उसका नतीजा ये हुआ है कि आज नूह के गाँवों में जो 70% से ज़्यादा युवा मर्द हैं वो अपने गांवों में नहीं हैं, या तो उनको पुलिस उठा कर ले गई है या वो फरार हैं, क्योंकि उनको डर है कि पुलिस उन पर कोई कार्रवाई ना कर दे। यहां पर मौजूद लोगों का ये भी कहना है कि कई ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है जो कि उस दिन दंगे में थे भी नहीं, या दंगा होने के बाद वहाँ पर पहुँचे थे, उनको पुलिस ने उठा लिया था। आने वाले दिनों में क्या नूह की सारी अपडेट्स रहेंगी आपको न्यूज़ क्लिक पर मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ और देखते रहिए। शुक्रिया।